नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का UNDI के अंदर। आज की वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ MG Hector की टॉप मॉडल जो कि है आपका MG Hector Sharp 80। इसके बारे में मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपके काम आएंगे, लाइक गाड़ी का इंटीरियर, एक्सटीरियर, फीचर्स, एसेसरीज, एवरीथिंग। इससे पहले मैं आपको बताना स्टार्ट करूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज आपको UNDI की वीडियोज़ में मिलती है वो सारी इन्फॉर्मेशंस जो आपके काम आएंगी अगर आप फ्यूचर में कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो, या फिर अगर आप एग्जिस्टिंग कार ओनर हैं तो आपको सीखने को मिलता है कि गाड़ी कैसे आप मेंटेन करें। गाड़ी की जो लाइट्स हैं सारी वो LED हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले अभी वीडियो के स्लाइड में शो किया। आपका जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको BMW या फिर ऑडी की याद दिलाएगा, बिकॉज वो ब्लिंक होता है, एक साइड से होना स्टार्ट होता है, आखिरी तक ब्लिंक होता हुआ चला जाता है। इसके अलावा आपकी जो मेन लाइट है एंड फॉग लाइट है उसको बम्पर से नीचे की साइड में दिया गया है, दोनों ही LED हैं एंड ये वाइट रोशनी करते हैं। इसके अलावा आपका जो ग्रिल है वो मेटल का है, जैसा कि आप देख पा रहे हो मेटल फिनिश का ग्रिल है। MG का लुक वो काफ़ी बड़ा है जो कि गाड़ी को और ज़्यादा बल्कि एंड हैवियर लुक देता है। इसके अलावा आपको मैंने डिक्की खोल के दिखाया है अंदर इंजन का व्यू। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ साइड प्रोफाइल गाड़ी का सारा, उसके बाद आपको मैं इंजन दोबारा शो करूँगा। ये साइड व्यू है गाड़ी का। गाड़ी का ये जो कलर है इसको हम बोलते हैं ग्लेज रेड कलर। इसमें एक फंडा है गाड़ी, आपको मैंने रेड कलर में क्यों दिखाया, रीज़न एकमात्र ये है कि कोई भी गाड़ी, अगर कोई भी ऑटोमोबाइल मेकर अपनी गाड़ी लॉन्च करता है तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा गाड़ी की एडवर्टाइजमेंट उस कलर में की जाती है जिस कलर में गाड़ी बेहतरीन लगे, क्योंकि MG अपनी गाड़ी की एडवर्टाइजमेंट मैक्सिमम इन्होंने ग्लेज रेड कलर में की है, इसलिए मैंने इंटेंशनली ग्लेज रेड कलर की गाड़ी का वीडियो बनाया। यह आपका बूट स्पेस आप मैंने दिखाया हुआ है, इसमें जो एडिशनल आप बूट में रखा हुआ सामान देख रहे हैं ये और कुछ नहीं, आपका ये पार्सल ट्रे है। इसको आप डिटैच या अटैच कभी भी कर सकते हैं, आपको मैं आगे दिखाऊंगा इसको अटैच कैसे करना होता है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है, काफ़ी कम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव को इसमें आगे टाइम लगने वाला है पार्सल ट्रे को फिक्स करने में। ये आपका एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट एक दिया गया है बट काफ़ी बड़ा दिया गया है, बिकॉज इंजन हैवी है, गाड़ी बल्कि है तो ये एग्जॉस्ट सफिशियंट है आपका सारे इसको अंदर के धुएं वगैरह को निकालने में। एग्जॉस्ट का शेप ट्रायंगल शेप में दिया गया है। ये आपका है पार्सल ट्रे, इसको आप पीछे रियर सीट से फिक्स करेंगे एंड तभी अटैच हो जाएगा। आगे आपको बूट में ही स्लॉट्स दिए गए हैं जहाँ पे आप इसको एक्सपेंड करने के बाद फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये आपका MG Hector Sharp 80 मॉडल है जो कि आपका टॉप मॉडल है MG Hector का। माइलेज जो है इसका क्लेम किया है MG ने 13.96 KMPL का। हाउएवर जो अभी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं जो गाड़ी चला रहे हैं उनका कहना है कि गाड़ी हाईवे पे देती है आपको 11 से 11.5 के बीच का एवरेज, 13 तक कभी मिला नहीं, और अगर आप सिटी में चलाएंगे तो आपको मिलेगा 10.5 से 11 का एवरेज, डिपेंडिंग कि आप कैसी कंडीशन में गाड़ी चला रहे हैं, किस तरह चला रहे हैं, कितना आप क्लच ब्रेक ये सब यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज़ें। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो ये मिलेगा आपको 1451 CC का, 141 BHP की पावर है, ट्रांसमिशन है आपका ऑटोमेटिक, सेटिंग कैपेसिटी है आपकी 5 की। आपका जो ये बूट है जहाँ पे आपको ये लगा के दिखा रहे हैं पार्सल ट्रे, ये बूट है आपका 587 लीटर का। आपका जो एक्स शोरूम कॉस्ट पड़ता है टॉप मॉडल MG Hector Sharp 80 का वो है आपका 16,78,000 रुपीज़ का। इसमें आपकी दिल्ली में RTO चार्जेस पड़ते हैं 1,37,370 रुपीज़ के, 1,37,370 रुपीज़ के। इंश्योरेंस आपका पड़ता है 67,164 के लगभग। अदर चार्जेस हैं आपके लाइक जो कंपलसरी एसरीज आपको लेनी पड़ती है, मैट्स वगैरह, वो पड़ता है आपको 26,780 का, एंड कुछ ऑप्शनल चीज़ें आपको दी गई हैं जिनका कॉस्ट है 6,829 का। तो मैं अगर मोटी मोटी बात करूं तो एक्स शोरूम प्राइस आपका था 16,78,000 रुपीज़ का, एंड सारे बाकी कॉस्ट मिलाकर के आपको ये ऑन रोड पड़ेगा 19,09,314 रुपीज़ के अप्रॉक्स। मैं अगर दोबारा आपसे मेन फीचर्स की बात करूं तो 13.96 का एवरेज क्लेम करती है इसमें MG। इंजन आपका 1451 CC का था। मैक्स टॉर्क जो ये बनाता है वो है आपका 250 न्यूटन मीटर एंड 1600 से लेके 3600 का RPM। ट्रांसमिशन टाइप आपका ऑटोमेटिक रहेगा। फ्यूल टैंक आपका 60 लीटर का है इसके अंदर, एंड इसका जो बॉडी टाइप है वो SUV है। आपका बूट स्पेस 587 लीटर है। इसके अलावा ये जो आपका इसके अंदर मैं आपसे बात करूँ फीचर्स की, आपको मिल जाएगा मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, टच स्क्रीन, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, अलॉय व्हील, फॉग लैंप रियर, पावर विंडो फ्रंट, पैसेंजर एयरबैग, पावर स्टीयरिंग। इसके अलावा हमें मिलता है इस गाड़ी के अंदर पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हमें मिलता है, फॉग लाइट फ्रंट, पावर विंडो रियर, व्हील कवर्स, ड्राइवर एयरबैग, एयर कंडीशनर, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं इस गाड़ी के अंदर। आपका ट्रांसमिशन टाइप रहेगा ऑटोमेटिक। गियरबॉक्स है आपका 6 का। नंबर ऑफ सिलेंडर इसके इंजन के हैं 4,
टर्बो चार्जर मिलेगा आपको, एंड ये गाड़ी आपका हाइब्रिड है। सी ये पार्सल ट्रे आपका एक्सपेंड कर दिया गया, एंड एक्सपेंड करने के बाद ये ऐसा लगता है एज पर एम जी आप पार्सल ट्रे के ऊपर। सी आप ये बात भूल जाइए कि इसको ये डिटैचेबल अटैचेबल है, इसको फिक्स करने में टाइम लगा है पहली बार, बिकॉज एग्जीक्यूटिव भी नए होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, उनको टाइम लग गया इस वीडियो के अंदर फिक्स करने में। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पार्सल ट्रे के ऊपर आप रख क्या सकते हो, इसकी जो रखने की कैपेसिटी आइटम उठाने की वो केवल 2 kg की है। तो पार्सल ट्रे आप लगा के जब इसका बूट का डोर बंद करेंगे तो लुक अच्छा आएगा, बाकी आप इससे कुछ हैवी सामान नहीं रख सकते बिकॉज ये डिटैचेबल है, स्लॉट्स के ऊपर ये अटका के फिक्स किया जाता है केवल, एंड एक्सपेंड हो जाता है। तो आप इसे 2 kg तक का सामान रख सकते हो, लाइक आपका टिश्यू बॉक्स हो गया या फिर फल फ्रूट आपने हल्के फुल्के 1-2 kg के कुछ कर दें आप रख सकते हैं, अगर गाड़ी में सारा स्पेस फुल हो चुका है तो। इसके अलावा मैं बाकी फीचर्स की बात करूँ गाड़ी के, तो आपको इसमें 60 लीटर का मिल गया था फ्यूल टैंक का कैपेसिटी, जो माइलेज है इन्होंने क्लेम किया है 13.96 का एज पर ARAI एंड MG। फ्रंट सस्पेंशन आपका मैकफर्जन स्ट्रट रहेगा, रियर सस्पेंशन आपका रहेगा टॉर्सन बीम, स्टीयरिंग कॉलम है आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, स्टीयरिंग गियर टाइप है आपका रियर एंड पिनियन, फ्रंट डिस्क आपका फ्रंट और रियर जो है टॉप मॉडल में वो दोनों डिस्क रहने वाले हैं। ये आपका रियर का व्यू मैंने दिखा दिया, आपके ये रियर AC वेंट्स हैं, इसको आप राइट लेफ्ट स्लॉट कर सकते हैं, नॉब आपको मिला हुआ है इसमें घुमाने का AC वेंट्स को। इसके अलावा आपको मिलता है 2 वोल्ट का इसमें चार्जर का सॉकेट, आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं इसमें, एंड नीचे आपको कंपार्टमेंट मिल जाता है फ़ोन को रखने का। आपका जो ये है आपका सॉरी 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जिंग का सॉकेट, आप USB लगा करके फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। स्लॉट दिया गया है फ़ोन वहाँ अटका के रखने के लिए, आपको हाथ में फ़ोन पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है, चार्जिंग पे लगाना है लगा छोड़ दीजिए। आपको आगे देख पा रहे हैं ये मिला हुआ है इसके अंदर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, काफ़ी बड़ा साइज़ में है, एंड जो इस गाड़ी की मेन हाईलाइट है यही है। मैं आपको पहले इसके बताता हूँ कि हाईलाइट्स आपको मिल जा रहा है ड्यूअल पेन पैनारोमिक सनरूफ, इसके अलावा आपको मिलता है 360 डिग्री अराउंड व्यू कैमरा, पावर टेलगेट ओपनिंग क्लोजिंग विथ मल्टी पोजिशन सेटिंग का ऑप्शन, 8 कलर्ड मोड लाइट्स का आपको आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको मिल रहा है हीटेड ORVM, इसके अलावा आपको मिलता है रेन सेंसिंग वाइपर्स, जो अच्छा फीचर है, ऑल्दो भी सस्ती गाड़ियों में आने लगा है बट अपने को मिल रहा है वो मैटर करता है बिकॉज एक गाड़ी में काफ़ी कुछ मिल जा रहा है अपने को। ये आपका रियर का व्यू है, इसमें एग्जॉस्ट एक ही है, दूसरा स्लॉट आपका ऐसे ही खाली है, वो जो आपका एग्जॉस्ट का पाइप है वो ट्रायंगल शेप का है, पीछे भी MG का लोगो दिया हुआ है। ये आपको मैंने निकाल के दिखाया है कि हटता कैसे है आपका पार्सल ट्रे। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं तो आपको मिल जा रहा है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, कॉर्नरिंग फ्रंट फॉग लैंप्स मिल जाएंगे हमें, फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर हमें मिल जाता है, स्पीड वार्निंग अलर्ट हमें मिल जाएगा इसके अंदर, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP जो हम कहते हैं वो मिल जाएगा, यानी गाड़ी आपकी हाई स्पीड में स्टेबल रहेगी, गाड़ी स्किड नहीं होगी। ये जो आपका पीछे बूट का मैट है, बूट की मैट को मैंने हटा के आपको दिखाया है कि अंदर का व्यू कैसा है। अक्सर पुरानी गाड़ियों में होता क्या था कि हमें टूल्स तो मिलते थे बट टूल्स को रखने का कुछ स्लॉट नहीं था, इसमें ऐसा नहीं है, आपको इसमें स्पेस बना के दिया गया है ऑलरेडी बूट मैट के नीचे, आप यहाँ पे सारे जो आपके टूल्स हैं इनको फिक्स करके रख सकते हैं। इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आप गाड़ी हाई स्पीड में चलाएंगे तो वो टूल्स हिलते नहीं हैं एंड ये अननेसेसरी का साउंड क्रिएट नहीं करते। आपका जो स्पेयर व्हील है वो गाड़ी के नीचे की ओर लगाया गया है एंड इसमें ऊपर बूट के अंदर एक कैप बनी हुई है, उस कैप से आप कैप में आप टूल को घुमा घुमा करके अपने स्पेयर व्हील को नीचे उतार सकते हैं, सेम लाइक इनोवा, आपने इनोवा में देखा होगा, इनोवा का भी स्पेयर व्हील आपका पीछे की साइड लगा होता है। एक खास बात और दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि गाड़ी को लेना ही लेना है, मैं ये भी नहीं कह रहा गाड़ी ख़राब है, आपको सी अपनी अपनी इसमें चॉइस होती है कौन सी गाड़ी आपको अच्छी लग रही है कौन सी ख़राब। मैंने ट्राई किया सारे फीचर्स कवर करूं, जो आपको मैं बताने वाला हूं वो ये है, आज जब मैंने गाड़ी का टेस्ट ड्राइव किया तो मैंने नोटिस किया कि बगल से एक फॉर्चूनर गई एंड फॉर्चूनर एंड MG हेक्टर की हाइट में मुझे कुछ खास अंतर लगा नहीं, इवन गाड़ी को जो हमने खड़ा किया बगल में फॉर्चुनेटली एक और फॉर्चुनर खड़ी थी, साइज़ में कुछ खास अंतर नहीं था, साइज़ सेम था। एंड अब ध्यान देने वाली बात यह है कि गाड़ी अपने को मिल रही है 20 लाख के रेंज के अंदर एंड हमने इसको कंपेयर किया है यहाँ पे 35-36 लाख की गाड़ी से एंड गाड़ी लुकवाइज एकदम कंपटीशन दे रही थी। आपका इलेक्ट्रॉनिक सीट था, आपको मैंने दिखाया इसमें नॉब्स कैसे हैं इसके, ये आपका रियर व्यू है गाड़ी का पीछे बूट का एंड आप देख पा रहे हो नीचे एग्जॉस्ट, आपको दोबारा दिखा देता हूँ मैं, ट्रायंगल शेप के हैं एंड ट्रायंगल शेप का ही आपको दिया गया है वहाँ पे स्लॉट एग्जॉस्ट के लिए।
थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, बहुत कम गाड़ियों में इस तरह का एग्जॉस्ट बना के देते हैं, अच्छा लग रहा है। ये आपका ऑटोमेटिक टेल गेट है जो ओपन एंड बंद होता है रिमोट से, इसको आप अगर टॉप मॉडल को लेंगे आपको मिलेगा। ये केवल फीचर टॉप मॉडल में ही है, आपको रियर में भी LED लाइट्स दे रखी हैं जैसा देख पा रहे हो, ये साइड से ब्लिंक होना स्टार्ट होती है आगे तक जाती हैं, तो काफ़ी हद तक ये आपको याद दिलाएंगी ऑडी BMW या मर्सिडीज़ की गाड़ियों की। तो ये अच्छा है कि हाँ लाइक सस्ती गाड़ियों में, मैं ये नहीं कह रहा 20 लाख बहुत सस्ता होता है, बट हाँ अभी कम प्राइस की गाड़ियों के अंदर भी इस तरह के फीचर्स आने लगे हैं, ये जो यंगर जनरेशन है इन कस्टमर्स को काफ़ी आकर्षित करेंगे एंड अच्छा भी है। LED लाइट्स का फ़ायदा क्या होता है कि इनकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अच्छा है, अगर आप गाड़ी चलाते हो दिन में या रात में लाइट ज़्यादा क्लियर नज़र आती है एंड फार डिस्टेंस से ही नज़र आने लगता है कि कोई गाड़ी आ रही है। एंड DRL को काफ़ी यंगस्टर्स एंड लोग सोचते हैं कि ये एक लग्जरी है एंड इसके बिना भी गाड़ी चल सकती है, मेरा ये मानना है एंड आपके लिए सजेशन है, आप कभी भी गाड़ी लेते हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए कि LED लाइट जिसमें मिले आप उसको करो, बिकॉज अपने आप में एक सेफ्टी फीचर है। एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, US यानी कि USA में आपकी जो बाइक्स आती हैं स्टार्टिंग में से ही वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है कि बाइक अगर आप स्टार्ट करोगे तो वहाँ की बाइक की लाइट ऑन रहेगी, उसमें ऑन ऑफ का स्विच नहीं दिया होता। रीज़न ये है कि बाइक छोटी गाड़ी है, दूर से आएगी लाइट ऑन है तो नज़र आ जाती है ज़्यादा बेहतर तरीके से। अब जब LED लाइट्स आने लगी हैं कारों के अंदर, इनका मेन पर्पज़ भी यही था कि गाड़ी के लुक को इन्हेंस तो करना ही है, इसके अलावा LED लाइट्स इस और DRL इज समथिंग कि ये आपका दिन में ऑन रहता है। DRL का फुल फॉर्म ही आपका यही होता है लाइक डे टाइम रनिंग लाइट, तो जब वो ऑन रहता है तो गाड़ी की विजिबिलिटी को दूर से ही बेहतर लुक देता है एंड आपकी गाड़ी दूर से नज़र आती है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको और भी मिल रहा है काफ़ी सारा फीचर, लाइक आपको मिलेगा हिल होल्ड कंट्रोल का ऑप्शन, ABS, EBD एंड ब्रेक असिस्ट हमें मिल जा रहा है, रियर डिस्क ब्रेक एंड फ्रंट डिस्क ब्रेक हमें मिल रहे हैं, 360 डिग्री अराउंड व्यू कैमरा हमें मिल जा रहा है, ये आपका फ्रंट लुक है साइड से आपको जो मैंने शो किया है। आपको इसमें मिलेंगे हीटेड ORVM, ये कुछ एसेसरीज हैं जो आपको मैंने दिखाई, ये शोरूम पे रखी हुई हैं, ये नॉट फॉर सेल है लाइक कस्टमर्स को दिखाने के लिए ही रखी हुई थी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे लिए कि आपको मैं ये सारी एसेसरीज लगा के दिखाऊं, बिकॉज वो शोरूम की कार है जो खड़ी है एंड उस पर एसेसरीज लगा के दिखाने का मतलब है कि काफ़ी टाइम आपका और अपना वेस्ट करना। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने सारे एसेसरीज MG के द्वारा ऑफर्ड एंड उनका प्राइस शो किया हुआ है, आप जब गाड़ी लेंगे तो आप इनमें से कोई भी एसेसरीज लगवा सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको जो टॉप मॉडल है आपको मिल जाएंगे 6 फ्रंट ड्यूअल एयरबैग, साइड में भी कर्टेन में भी, रियर पार्किंग कैमरा आपको मिल जाएगा, रियर पार्किंग सेंसर मिलेगा, रियर डिफॉगर, स्पीड सेंसिंग, ऑटोडोर लॉक, फ्रंट सीट बेल्ट प्रैक्टिशनर एंड लोड लिमिटर मिल जाएगा, फ्रंट ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलेगा, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक DCT ओनली हमें मिल रहा है। डायमेंशंस की बात करूँ तो गाड़ी है आपकी 4655 mm की लेंथ, विड्थ है आपकी 1835 mm की, व्हील बेस है आपका 2750 mm का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 60 mm की। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जो भी मार्केट के फीडबैक्स हैं उनको आप प्लीज़ भूल जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी बहुत अच्छी है, मैं ये भी नहीं कह रहा गाड़ी ख़राब है, बट जो मुझको पता चला है वो ये चला है एंड जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी ऑटोमोबाइल मेकर अगर गाड़ी को मार्केट में लॉन्च करता है तो हमेशा 6-7 महीने के बाद लेना चाहिए, बिकॉज छोटी मोटी जो इश्यूज़ गाड़ियों में आते हैं नई कार में ऑटोमोबाइल मेकर लॉन्च करने से पहले पकड़ नहीं पाते, वो इश्यूज़ तब तक पता चल चुके होते हैं ऑटोमोबाइल मेकर को एंड वो उन इश्यूज़ को सॉल्व कर चुके होते हैं लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा ऐसी कारों में या फिर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ला करके। जो इस गाड़ी में आपको इशू आ रहे हैं इसके वॉइस कंट्रोल में एंड जो छोटे मोटे इंजन के इश्यूज़ आपको मिले सुनने में, उन सब का अपडेट्स आने वाला है जिस पे MG ऑलरेडी काम कर रहा है एंड ये कन्फर्म्ड है कि वो आपका आ जाएगा कुछ दिनों के अंदर। आप 5-6 महीनों में जो गाड़ी लोगे वो हेक्टर आपको काफ़ी बेहतर मिलने वाली है पुरानी MG हेक्टर से। लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर ऐसा कोई पॉइंट जो मैंने कवर ना किया हो, आपकी कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दें ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से आंसर दे सकूं, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके के बेटर वीडियोस मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।